हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स जनवरी को कवर करेंगे। इसमें जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, और इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिसके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कितनी मेरी सहेली टीमों को तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 244। 244 मेरी सहेली टीमों को तैनात किया गया है। मेरी सहेली टीम क्या है? मेरी सहेली टीम जो है ये लेडीज़ कांस्टेबल यानी लेडीज़ RPF जवानों की टीम है, जो कि महिला सुरक्षा के को मद्देनज़र रखते हुए इस टीम को तैनात किया गया, जो कि महिलाओं को सिक्योरिटी पर्पज़ पे से उनका उनकी मदद करने के लिए ये टीम बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 फरवरी। 28 फरवरी को रमन प्रभाव खोज की उपलक्ष्य में यह विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार 2022 की थीम क्या है। थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74 वर्ष की उम्र में उसका उनका निधन हुआ है, और वह एक सोशल वर्कर थी। हाल ही में चीनी राजनयिक झांग मिंग ने निम्नलिखित में से किस संस्था के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो उन्होंने SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। विनी महाजन ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है? तो इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पद संभाला है। विनी महाजन जो हैं, ये पंजाब की पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने यह लॉन्च किया है। इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? तो जर्मनी ने इसकी अध्यक्षता ली है, यानी जर्मनी इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ने शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है। हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत के साथ त्रिकोमाली टैंक तेल टैंक फॉर्म सौदे को मंजूरी दी है? श्रीलंका ने इस सौदे को मंजूरी दी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, और ये
जो क्वेश्चन हैं इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको जो ये है करंट अफेयर्स जो है जनवरी के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किया? आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? ऑप्शन बी ओडिशा। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में अलका मित्तल निम्नलिखित में से किस संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं? ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया गया? तो 4 जनवरी को यह मनाया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में मशहूर पेन रोटोमैक ग्रुप के प्रबंधक निदेशक विक्रम कोठारी का निधन कितने वर्ष में हो गया? तो 73 वर्ष यानी 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। हाल ही में भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं वह किस देश की सेना में हैं? ऑप्शन बी ब्रिटेन राइट आंसर है दोस्तों इसका। हाल ही में ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी ओमिश्योर, ओमिश्योर किट को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूपी के किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ में यह इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के पूर्व प्लेयर रह चुके हैं और उन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। विनोद कन्नन जो निम्न में से किस एयर लाइन कंपनी ने अपना अगला CEO नियुक्त किया है? विनोद कन्नन को किसने अपना अगला CEO नियुक्त किया है, किस विमान कंपनी ने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस, ऑप्शन बी। हाल ही में $3 ट्रिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, एप्पल। एप्पल जो है $3 ट्रिलियन हासिल करने वाली कंपनी बन गई है। भारत का पहला कागज़ रहित उच्च न्यायालय कौन बन गया है, यानी कौन सा उच्च न्यायालय कागज़ रहित यानी फुल्ली डिजिटल हो गया है? केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए। हाल ही में ओपेक ने किस देश से संबंधित हैथम अल घिस को नया महासचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कुवैत। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? तो 21 साल बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में जीता है। इनमें से किस बैंक के नए MD/CEO के रूप सोमा शंकर प्रसाद ने पदभार संभाला है? तो उन्होंने यूको बैंक के CEO के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया?
तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। हाल ही में कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया। यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। हाल ही में भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम 374.96 मिलियन डॉलर में किस देश ने खरीदने की स्वीकृति दी है? तो फिलीपींस ने इसको खरीदने की मंजूरी दी है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ए सोमनाथ, एस सोमनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? तो ये घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। अडानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पॉस्को के साथ समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 का भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो HDFC को इसके लिए नामित किया गया है। हाल ही में डेविड वेनेट दुनिया के पहले मानव बन गए जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है, वह किस देश के नागरिक हैं? तो वो अमेरिकी मूल के नागरिक हैं। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया। वह वन विहार किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, अली खान स्माइलोव हाल ही में किस राज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो वह कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में भरत सुब्रमण्यम, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, वह भारत के कितने शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वह 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हाल ही में किस देश के स्पिनर एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन की पेशकश के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर पहुँचे? तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इटली में। हाल ही में भारत ने 5,000 किलोमीटर रेंज के साथ सतह पर मार्क करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उस मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? अग्नि 5। हाल ही में एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत दौरे पर थे, वह किस देश के नौसेना अध्यक्ष हैं? तो वह बांग्लादेश के नौसेना अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? TVS मोटर्स को। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया उन्हें। कल्याण कुमार को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक का उन्हें कार्यकारी नियुक्त किया गया है निदेशक। हाल ही में भारतीय सेना ने में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पत्रू ने गुजरात से कहाँ तक साइकिल चलाने में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कुल 3800 किलोमीटर की दूरी तय की। तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश तक साइकिल चलाई थी। किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? तो उसकी मंजूरी अमेरिका ने दी है। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं जनवरी माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।